आरबीसीज है उसको हम लोग रूलो कहते हैं. इफ यू कीप आरबीसीज वन ऑन अनदर जस्ट इट रिजेंबल्स ए ग्राना. तो इसीलिए आप उसको फिर हम लोग लिखेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट इज इक्वल टू क्या 280 मिलियन पर आरबीसी. समझ रहे हो? तो नॉर्मल काउंट जो है 280 मिलियन है. ओके कॉमा काउंटेड विद द ओके इसमें 280 मिलियन है फुल स्टॉप. इसका काउंटेड ऐसा नहीं है. उसके बाद हीमोग्लोबिन परसेंटेज ओके इज काउंटेड विद द हेल्प ऑफ सहलीज हीमोस्मीटर. ओके ये पैटेंटेड टेक्निक है. तो परसेंटेज हीमोग्लोबिन ओके ओके हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज कैलकुलेट काउंटेड ओके विद द हेल्प ऑफ सहलीज हीमोमीटर परसेंटेज इन ब्लड. ओके तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज इन ब्लड इज काउंटेड विद द सैलीज हीमोमीटर एंड इट इज कहते मेजर्ड इन ग्राम्स पर 100 ml ब्लड. ओके इन ग्राम्स पर 100 ml ब्लड. ठीक है तो 100 ml ब्लड में इसको काउंट किया जाता है. इन नॉर्मल मेल ये कितना होता है 13 to 16 ग्राम्स पर 100 ml होता है. एंड इन नॉर्मल फीमेल्स ये क्या 11 to 13 ग्राम पर 100 ml होता है. बट ये बुक्स टू बुक्स वैरी करेगा एंड सोर्स टू सोर्स वैरी करेगा. ठीक है सो ये आपका दीज आर वेरिएबल डाटा तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते. नाउ तो अब हम लोग इसका जो नॉर्मल काउंट हो गया अब हम इसका एबनॉर्मल काउंट लिखेंगे. सो deficiency of hemoglobin is referred to as kya anemia. okay to agar aapka hemoglobin kam hai usko hum log kya kehte hain anemia. fine so ye aapka hemoglobin count ho gaya. now in the next break I will show you the Sayles hemometer. उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे नॉर्मल आरबीसी काउंट. नॉर्मल आरबीसी काउंट ओके काउंट इज इक्वल टू 4 to 6 लैक्स. ओके सॉरी 4 to 6 मिलियन नॉट लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब और माइक्रोलीटर. तो मिलीमीटर क्यूब कितना होता है माइक्रोलीटर होता है. सो इन मेल्स ओके सो ये अराउंड 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है इन मेल्स एंड 3 to 5 ओके 3 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल्स. ठीक है दीज डाटास में वेरी बुक टू बुक सो नथिंग टू वरी. चाहिए लेस देन 4.5 भी हो सकता है क्या
सरीन फीमेल, फीमेल फीमेल में तो कम ही होगा ना, फीमेल में कम होता है। ओके, हम लोग एक फीमेल में जनरली 10-20% कम होता है। ठीक है, सर ठीक। हेमोग्लोबिन ज्यादा है तो कुछ है क्या सर डिसीज उसका? ज्यादा होने से डिजीज तो नहीं है, बट ज्यादा होगा नहीं, जगह नहीं होता है। ओके, बिकॉज आरबीसी फुल हो गया तो क्या फाड़ दें आरबीसी को, लग जाता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने का कम चांस है। अगर ज्यादा है मतलब आपका काउंट ज्यादा है, तो काउंट ज्यादा होने से चलेगा। हमने यहाँ पर आरबीसी लिया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसलिए दैट यू हैव टू पे पर आरबीसी। सर मैं ब्लड टेस्ट कराया था सर, उसमें रेंज लिखा है 11-14.3, मेरा 14.8 है सर, उसका मतलब क्या है सर? आपका ज्यादा आरबीसी है, समझे कि नहीं? आरबीसी इज मोर, वो उतना बड़ा इश्यू नहीं है, माइनर। देखो ब्लड सेल में कुछ ज्यादा है तो कुछ कम होंगे ना, तो अगर इधर ज्यादा है तो उधर कम होगा, तो उस तरह जी से। सर, यस सर, चलिए, तो इसलिए इट इज काउंटेड विद द हेल्प ऑफ क्या, हीमोसाइटो मीटर। ओके, एंड ये भी पेटेंटेड है, इसको न्यू बॉस ओके हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। ओके, यूजिंग रेड पिपेट एंड आरबीसी काउंटिंग चैम्बर्स, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी के लिए भी होता है ना, तो आपको रेड पिपेट यूज करना है एंड आरबीसी काउंटिंग चैम्बर यूज करना है। ठीक है, ये नॉर्मल काउंट है। एबनॉर्मल आप याद रखेंगे ये फिक्स्ड होता है, इसीलिए आपका ये रट लेना है। तो इसमें नंबर वन क्या लिखेंगे, तो इंक्रीज, तो इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड, बोलो, एरिथ्रो साइटोसिस। साइटोसिस। ओके, इसको हम लोग एरिथ्रो साइटोसिस बोलेंगे। एबनॉर्मल इंक्रीज, अगर हद से ज्यादा बढ़ गया, एबनॉर्मल इंक्रीज को पॉली साइटोसिस साइथेमिया बोला जाता है, एंड डिक्रीज को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये टर्म्स फिक्स्ड है, बस खाली एरिथ्रो के जगह पर ल्यूको या थ्रोम्बो लगेगा। अंडरस्टूड? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो है। सर, तो फिर एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। समय लिख देता हूं, डोंट वरी। तो इसीलिए नाउ एरिथ्रो पोएसिस, एरिथ्रो TH बक, एरिथ्रो POEISIS, तो एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या सिंथेसिस। ओके, या फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ आरबीसी कॉपी करके जनरली हम लोग उसको एक ब्रॉडर रेंज में ले लेते हैं, हीमोपोएसिस। ओके, तो हीमोपोएसिस क्या हो जाएगा, ये ब्लड हो जाएगा, तो हर चीज, तो हीमोपोएसिस में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है, हीमोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है। तो नॉट राइट एनी मोर थिंग, वो कट जाए।